रवायत के मुताबिक और आईन के मुताबिक जो एक टर्म है 6 साल की वो पूरी हो रही है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जो साथी हैं, कलीग्स हैं, ऑनरेबल सैनेटर्स जो हमसे रुख्सत हो रहे हैं, उनके लिए ढेर सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। और इस फोरम पे मुझे ज़रूर ये कहने की इजाज़त दीजिए कि अपर हाउस का जो माहौल है, हाउस ऑफ फेडरेशन का, वो शदीद तरीन सियासी तनाव के बावजूद उसमें वो जो गर्मी आती है बाकी एवानों में उसके नस्बत ज़्यादा ठहराव, ज़्यादा फहम और फरासत की बात होती रही है। ज़ाहिर है जमहूरी इदारों में अपना मौक़िफ़ रखते हुए कई दफ़ा सख्त बात भी हो जाती है, कई दफ़ा दूसरी साइड उसे सुनने से गुरेज़ा भी होती है या रिएक्शंस आते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा है और सब कुलीग्स ने अपने अपने ताई फ्लोर ऑफ द हाउस पे और स्टैंडिंग कमेटीज़ जो कि एक्सटेंडेड आर्म हैं हाउस की और जिनके ज़िम्मे बड़ा अहम काम सौंपा जाता है वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का है, सब मेरे भाइयों और बहनों ने उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया है और हमें आपकी ये जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो याद रहेंगी। ये दिस इज़ व्हाई वी आर हेयर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम जब यहाँ पे आके हल्फ लेते हैं तो उसका भी ये तकाजा होता है कि हम इंसाफ करें इस मनसब के साथ जो कि पाकिस्तान की आवाम ने और हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने जो कॉन्फिडेंस जो एतमाद हमें दिया, रिपोज किया कॉन्फिडेंस हमें उससे जस्टिफाई करना चाहिए। तो रुख्सत होने वाले तमाम सैनिटर्स बिलखसूस और ख़ास तौर पे लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर शहजाद वसीम आज नहीं है, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने जहाँ तक हो सका जो मैंडेट है इस हाउस का उसको सामने रखते हुए और उन हदूद में रहते हुए हमने अपने तई बहुत कोशिश की, चाहे वो लेजिस्लेटिव वर्क हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो, चाहे वो मुल्की मसाइल हों जिन्हें हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के ज़रिए, एडजमेंट मोशंस के ज़रिए हाईलाइट करते रहे। और इसी से मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी निज़ाम में एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुनने की वजह से, समझने की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। इख्तलाफ का हक मेरा भी है, इख्तलाफ का हक बाकी सब का भी है, लेकिन एवानों में जमहूरी एवानों की खूबसूरती ये है कि नुक्ता नज़र आप ज़रूर रखते हैं, फैसले चाहे अक्सरियत के साथ होते हैं और यही शायद विजडम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने हमें दी। मैं बात को समेटते हुए एक बार फिर आप सब का एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से हमने कभी हुकूमत में रहे कभी अपोजिशन में रहे हमने वो हदें पार नहीं की और भाईचारे के साथ वक्त गुजरा। और एक बार फिर आप सब के लिए बेतहाशा नेक तमन्नाएं और दुआएं इस उम्मीद के साथ कि आप में से बहुत सारे दोबारा इस ऐवान में रौनक अफरोज़ होंगे और ऐवान की जो रौनकें हैं वो दोबारा लौट आएंगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।